सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई भाई, आज मेरी जर्नी का दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन है, बिकॉज आज है 3 अगस्त और आज मैं उठ गया हूँ 4 बजे। और बाकी 4 बजे तो मैं उठ गया था, लेकिन मैं ब्रश व्रश फ्रेशअप होते होते मेरा टाइमिंग हो गया पूरा 4:30, 4:30 बज रहा है। फिलहाल अभी कुछ इन्हें सो ही रहे हैं, उनको भी मुझे उठाना है क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ चलेंगे जिम, तो मैं तो फ्रेश हो गया, अभी उन लोगों को भी उठाना है। तो एक काम करते हैं, खुशी को उठाते हैं। सुबह कुछ 3 बजे उठी है एंड सेम मैं भी उसी बजे उठने ही बजे उठा हूँ। तो उठते उठते वो बैठे बैठे उतना टाइम लग गया, अच्छी खुशी है एक्चुअली गाइस। चलो खुशी आ, चले, इट्स टाइम नाउ। खुशी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती एक्चुअली, कंपनसेशन इज अ डिफरेंट वे। बाकी मैं भी अभी उठा हूँ 4 बजे। चलो मैं कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई गुड, मैं तभी सो ही रहा है एकदम, मैं रिज देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ा हुआ। तो चलो बाहर चलते हैं भाई। चलो तो भाई, मैंने विनय को उठा दिया, अभी देखते हैं विनय उठते हैं कि नहीं उठते हैं। बाकी मैंने तो भाई उससे कह दिया उठने के लिए, खुशी तो देखो भाई एडवांस मुझसे भी पहले उठ गई थी 3 ही बजे। बाकी मुझे उठना था 3 बजे, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है 3 बजे, बिकॉज 3 बजे वो उठती नहीं है, उसको उठने का टाइम 4 ही बजे। बट मैं चेक करने नहीं गया, मैं ब्रश व्रश करने लगा तो वो लगभग 4 ही बजे उठी होगी मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन चलो भाई, 3 बजे उठी तो बहुत अच्छा है, उसके लिए बेटर है। तो हम सब लोग बेसिकली 3-4 बजे उठ गए हैं, मैं खुश ही, और विनय भी उठ जाएगा, वो तो छोटा है बच्चा है ना, तो उसका दूध बात हो रहा है, खैर अभी उठ जाएगा। तो भाई सब थोड़ी सी बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं तब तक, जब तक जिम जाना है, बिकॉज वो टाइम है अभी 4:50 तक निकलना है इनको, ठीक है। अरे पानी नहीं पियोगे? पानी नहीं पियोगे? पी लिए क्या? अरे पी लो, चलो। हाँ चलो, तो गाइस एरिस के लिए हमने जैसे प्रॉमिस किया था कल कि हम जिम जाने से पहले एरिस को 10-15 मिनट बाहर घुमाएंगे, तो भाई उस वादे का ध्यान देते हुए अभी एरिस को चलते हैं बाहर घुमाने थोड़ी देर। पी लो अच्छे से। अरे क्या हुआ यार, क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों हो गए भैया, या अचानक से इतनी फुर्ती क्यों आ गई? देख रहे हैं अब नेक्स्ट लेवल वाला जोश आ गया। चल रहे हैं, रुक जाओ 10 मिनट, रुक जाओ। हाँ हाँ चल रहे हैं, एकदम इज्जत से देख रहे हैं गाइस, एरिस एकदम इज्जत से बिहेव करेगा। अब इतने समय ना, अब इसको इसको बस इसके साथ कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, कितना अंधेरा है कॉलोनी में, आप खुद देख सकते हैं भाई, सुबह सुबह इतने कौन उठता है इधर इस पागल के अलावा। हम ही लोग हैं एकदम पागल टाइप के कि जो 4-3 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी सो रही है इतने समय, चारों तरफ सुनसान अंधेरा अंधेरा है, और मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े भी दिखा रहा है। अद्धे धीरे धीरे एरिस, एरिस सॉरी, थोड़ा आराम से चलो यार, जुगाड़ में ही रहता है गाइस एरिस, कोई मिल जाए बस पकड़ के काट लें भोंक लें, यही सब करना आता है बस। भैया कोई नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है भैया। हद है यार एरिस को, हमेशा मुझे समझ नहीं आ रहा है एरिस को हमेशा डर क्यों लगी रहती है। सो गाइस एरिस को घूमना हो गया है फिलहाल, एरिस को ले आया हूँ घर में। और पता है, आप जब प्लान बनाते हो कि मैं आज सुबह उठूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, एक एक प्लान का जब डिसाइड करते हो ना एक एक टाइम, तो वो सब सही है, सब सही है, लेकिन लेकिन उसमें जो गड़बड़ी ये होती है कि वो जो टाइम जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एग्जैक्टली हो नहीं पाता, बिकॉज
क्यों नहीं हो पाता है? कारण है बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रोबोट. वी आर नॉट रोबोट गाइस, वी आर ह्यूमन बींग, वी आर फ्लेक्सीबल विथ आर थिंग्स. तो जब आप रूटीन बनाते हो ना तो उसको वो बनाना तो बिल्कुल सही होता है, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो है जिसकी वजह से ना वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाता फॉलो. मैंने तो जो प्लान बनाया था उसमें मैंने पेरिस को घुमाना मैंने लिखा ही नहीं था, बट मैंने सोच कर रखा था कि घुमाना है, बट प्लान में नहीं था. लेकिन अब और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं 3 बजे उठूँगा, लेकिन मैं उठा 4 बजे. लेकिन अब अगर मैं 4 बजे उठा और मैं रिग्रेट करूँ कि मैं 3 बजे नहीं उठा, तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा. बिकॉज मैं 4 बजे भी उठ रहा हूँ अगर, तो भी मैं 80% पीपल से पहले उठा हूँ. तो डैट इज़ अ सक्सेस. ऑल्सो आई एम सेविंग लॉट ऑफ टाइम, प्लस फिर एंटायर डे के लिए वो जो चीज़ें आप प्लान किए हुए हो उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करो ना. आप जब उठ गए तो आप उसको वैसे लेके चलो. हाँ, आप सारी चीज़ें जैसे लिखे थे कि इतना घंटा इसके लिए, इतना घंटा इसके लिए, ये एग्जैक्टली भले ही ना हो पाए, लेकिन यू कैन गिव सर्टेन टाइम टू एवरीथिंग वट एवर यू हैव प्लान थ्रू आउट द डे. तो भाई ऐसे ही मैं भी करता हूँ. प्लान तो मैं बना लेता हूँ अच्छे से, फिर वो एग्जैक्टली वैसे अगर नहीं हो पाता एकदम पक्का पक्का टाइम से, बिकॉज माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें, कुछ लोग होते हैं माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों का भी प्लान बनाते हैं, तो अगर वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाती तो एटलीस्ट यू कैन स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे ऑन दैट ट्रैक. तो जितने हद तक आप हो जाए ना वो सक्सेस है. फिर नेक्स्ट डे वो जो आपका प्लान था वो जितने हद तक हो जाए डैट इज सक्सेस. तो धीरे धीरे करके ना आप अकाउंटेबल होते चले जाते हो. बिकॉज अब जिम जाने का टाइम शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में हम लोग जिम पहुँचने वाले हैं. तो उसके पहले यार मैं ना अपनी ग्रंथ देख लूँ जिम वाली, जो मैंने बड़े ही मुश्किल से कहीं से जुगाड़ से मैंने निकाला है. तो मैं देख लेता हूँ आज मुझे क्या करना है. तो भाई जिसमें बेसिकली मुझे करना है ये वर्कआउट्स. तो गाइस भाई हमारी सोसाइटी के नौजवान लोग भाई चलना फिरना शुरू कर दिए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जिम में फिलहाल. तो जल्दी से चलते हैं अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यार पॉटी वॉटी करने में ना 10-15 मिनट लगा ही दिया. हमें तब भी सोचा था कि 4:50 तक आना ही आना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है. लेकिन चलो हो गया, 5 बजे आ गए हैं, वो भी अच्छा है. कोई बात नहीं, गाना तो बजता ही है. आ भाई जल्दी आओ. और गाइस कैसे वर्कआउट चल रही है, क्या कर रही है खुशी? ये वार्म अप चल रहा है अभी, 15 मिनट बीत गया. अच्छा, और भाई साइकिल चलाना छोड़ना नहीं, बिकॉज पेट जो है ना वो साइकिल से कम होता है. और दूसरी चीज़ ये ठीक है, और ये कभी कभी रुक जाता है अचानक से, तो इस वजह से तुम अपने आप को स्टेबल करके करना, समझे? और बताओ मज़ा आ रहा है? चलो ठीक. गाइस हमारा वर्कआउट हो गया यार फिलहाल कंप्लीट. और आज भाई बहुत ज़्यादा वाला कुछ वाला वर्कआउट था, तो कुछ वाला वर्कआउट हमारा हो गया कंप्लीट. मज़ा आ गया आज पूरा. ट्राइसेप्स जो हमारी यहाँ की मसल होती है ना उसको हिट किया है हम लोगों ने, और शोल्डर वगैरह, यही दो वर्कआउट हुआ है. और तुमने क्या किया बिना? मैंने सब ट्राई किया. अच्छा अच्छा, अभी एक्चुअली गाइस मेरे का ट्रायल ही चल रहा है इक्विपमेंट चलाने का, तो कोई बात नहीं धीरे धीरे करके वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा. तो तुमने क्या किया? मेरा अपर बॉडी. इनका अपर बॉडी चल रहा है गाइस. चलिए चलते हैं घर, और क्या थक गए एकदम, प्यास बहुत ज़बरदस्त लगी है. तो चलो जिम से घर आ चुके हैं हम लोग. तो गाइस हम लोग जिम से घर आ गए. अरे यार ये दरवाज़ा लगता रहता है खट खट. हैरिस भी हमारे सो ही रहे हैं. हैरिस का भी हो गया आज भाई. सबसे अच्छा चीज़ ये हो गया कि हैरिस का भी घूमना घुमाना हो गया, और प्लस हम लोगों की जिम भी हो गई. तो कल वाला गोल जो हमने सेट किया था वो आज पूरा हो गया. अभी जल्दी से नहाऊंगा फिर आपसे मिलूंगा. सो गाइस फिलहाल भाई अभी खुद बिना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मम्मी जो है बना रही हैं इन लोगों का लंच. पता नहीं लंच लंच जो होता है वो बना भी कि नहीं. बन गया मम्मी? बन गया, पराठा बना दिए. पराठा बनाया मम्मी. आपका पराठा ट्रायंगल कम बन रहा है आजकल.
थोड़ा और ट्रायंगल्स बनाया करिए, मतलब ऐसे त्रिभुजा आकार शायद यही कहते हैं कोई कोई टेढ़ा हो जाता है। चलो कोई नहीं। अच्छा और क्या, बस केवल ये लोग सादा सादा लेके जा रहे हैं? सादा का है वो। अच्छा, घर वाली पनीर की सब्जी मेरे लिए भी बचेगी कुछ, थोड़ी थोड़ी बच जानी चाहिए, बचाएंगे। मैं भी खा लूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं भी खा लूंगा तो अच्छा लगेगा, बच जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बासी सब्जी कुछ कुछ ना ज्यादा अच्छी लगती है कभी कभी। कोशिश तो की है, बात नहीं। चलिए देखें गाइस, मेरा न्यूज़पेपर आया है कि नहीं, जो मैं डेली पढ़ता हूँ। एरो क्या हुआ लला, आज अंदर क्या चीज का दुख है तुमको? अब तो तुम्हारा हो गया यार सब कुछ ना, ये देख रहे गाइस, डायरिस का शुरू हो गया। वाह, क्या कर रहे हो ये तुम, क्या कर रहे हो? एरिस को गाइस ना कोई भी सामने से गुजर नहीं सकता। एरिस कूदेंगे, नाचेंगे, गोल गोल वाला एकदम वो करेंगे। अरे क्या कहते हैं वो, अरे मैं तो घूमर 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 झूमर घूमर वाला डांस करने लगते हैं। मेरा न्यूज़पेपर आ नहीं पाया यार, आज लग रहा है ये हिंदी वाले न्यूज़पेपर आए हैं, अमर उजाला, जो कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्या है लो, अब तुम ही चल लो आगे। अच्छा चलो, तुम ही चल लो, तुम ही चल लो, तुम ही चल लो, चलो 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 चलो, भाग चलो भाग चलो भाग जा भाग जा भाग जा। हैरिस गया क्या? लो दो पराठे के साथ थोड़ी। अरे यार मम्मी, चलो कोई बात नहीं, चलिए गाइस इसको खाते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा चाय भी है, ये पराठा वराठा थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि जिम जा रहे हैं, जान रही हैं। रोटी बना दिया करिए मेरे लिए, क्योंकि गाइस पराठा मैंने ऑयल ऑयल से भी दूर रहना है, बॉडी में फैट है काफी ज्यादा। गाइस इस नाश्ते को हम कंप्लीट करते हैं और जो है आपसे अभी मिलते हैं हम अपने दूसरे वाले व्लॉग में। अब ये व्लॉग तब तक आप पूरा एंजॉय करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अभी जो मैं पूरा दिन वाला दिनचर्या वाला व्लॉग रहेगा उसको अभी और रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी देर में। तो दिन ही चल रहा है। हाँ लेकिन मैं पार्ट्स में डाल रहा हूँ ना वीडियो, एक जिम वाला एक अलग जा रहा है और एक लाइफ स्टाइल वाला थ्रू आउट द डे वाला वो अलग जा रहा है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं टू पार्ट्स में इसको डाल रहा हूँ। तो आप इसको एंजॉय करिएगा, और वो वाला भी अगर टाइम लगेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाय।